सो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर 5 में, जो कि बेसिकली हम आयनिक इक्विलिब्रिया का चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें हम लेक्चर 5 में बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ बफर सॉल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमें पढ़ना क्या है। पहली चीज है कि बफर क्या होता है, दूसरी चीज बफर सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, उनके बेसिस पर हम एसिडिक और बेसिक बफर को कैसे पहचानेंगे, और हम फॉर्मूले की मदद से कैसे उसका पीएच या पीओएच कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जब यहां पर बफर का कॉन्सेप्ट आएगा, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एक बफर सॉल्यूशन होता क्या है। एक बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि किसी भी तरीके के पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। ठीक है, दैट मींस कि हमारे पास यहां पर अगर बफर की बात करेंगे, देन दैट इज बेसिकली अ सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट द चेंज इन इट्स पीएच बाय एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ स्ट्रॉन्ग बेस और ऑन कीपिंग फॉर सर्टेन पीरियड। दैट मींस कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर हम स्मॉल थोड़ा सा एसिड डालेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, या थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, या उसको कुछ समय तक के लिए ऑन स्टैंडिंग छोड़ दिया जाए और उसका अगर पीएच चेंज नहीं होता है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को बेसिकली हम क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे सॉल्यूशन को हम बेसिकली बफर सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए, ये एक तरीके का मैं कह सकता हूं आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, जिसमें इनसाइड और आउटसाइड द सिस्टम का जो कंसंट्रेशन है वो सेम होता है। तो जो आउटसाइड मीडिया का पीएच है, वही पीएच लगभग इनसाइड मीडिया का भी होता है, और इसी कारण से जो पीएच चेंजेस हैं वो आपस में एक दूसरे को रेजिस्ट करते हैं। तो किसी भी तरीके के ऑर्गन को मान लीजिए आपको प्रिजर्व करना है, तो आप सबसे पहले ये निश्चित करेंगे कि कितने पीएच पे, कितने पीएच पर उसका बफर सॉल्यूशन बनाया जाएगा, और वही बफर सॉल्यूशन का पीएच उसके ऑर्गन को, उस ऑर्गन को बेसिकली प्रिजर्व करने के लिए आइसोटोनिसिटी की कंडीशन बनाएगा, और हम उस पर्टिकुलर ऑर्गन को उसमें क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द बफर सॉल्यूशन, एक एप्लीकेशन बफर की, जिसे हम बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में बच्चों, इसमें बहुत सारी चीजें हमें समझनी पड़ती हैं। जैसे अगर अब सेकंड पार्ट ऑफ सेक्शन में हम जाएंगे, तो हम यहां देखेंगे कि यहां पे हम देख रहे हैं कि जो टाइप्स ऑफ बफर है, उसमें जो हम पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो है एसिडिक बफर। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, एक ट्रिक है कि अगर हम एसिडिक बफर की बात करेंगे, तो एसिड का नेचर क्या होना चाहिए यह आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जब कभी भी हम एसिडिक बफर की बात करेंगे, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एसिड का नेचर है वो वीक होना चाहिए। इसी तरह जब हम बेसिक बफर की बात करेंगे बच्चों, तो हम यहां देखेंगे कि जो हमारा मिक्सचर होगा, उसमें जो बेस है उसका जो नेचर है वो क्या है बच्चों, वीक होना चाहिए। दैट मींस जिस तरीके का भी मैं बफर पढ़ रहा हूं, उसका एसिड या उसका बेस वीक होना चाहिए। एसिडिक बफर में एसिड वीक होना चाहिए, और देखिए बेसिक बफर में बेस वीक होना चाहिए। लेकिन ये एक मिक्सचर होगा, ये एक कैसा मिक्सचर होगा, अगर हम एसिडिक बफर की बात करेंगे, तो ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें आप वीक एसिड और इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर रहे हैं। दैट मींस एसिडिक बफर इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, उसी का सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो चलिए इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा एसिड जो कि वीक है, देखिए एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें, तो ये एक
वीक एसिड की कैटेगरी में आता है एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस. दैट मींस देखिए ये Na का पोर्शन एक्चुअली NaOH का होगा और जब एसिटिक एसिड NaOH के साथ रिएक्ट किया होगा तो एक सॉल्ट बना होगा जिसमें जो CH3COO है ये तो वीक एसिड का कॉम्पोजिशन है और लेकिन इसमें जो Na है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्पोजिशन से आया है. दैट मीन्स ये जो सोडियम एसिटेट का सॉल्ट बना इसमें जो बेस का कॉम्पोजिशन है वो स्ट्रॉन्ग बेस से आया है और जो एसिड है वो एक वीक एसिड है. इसीलिए कहा गया है एक ऐसा मिक्सचर जिसमें वीक एसिड हो, एसिटिक एसिड जो है एक वीक एसिड है और उसी का सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस Na इज द स्ट्रॉन्ग बेस पोर्शन इन द सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड विच इज बेसिकली सोडियम एसिटेट. दैट मीन्स कि यहां पर जब कंपटीशन की बात होगी तो हमें ये पूरी चीज पता होनी चाहिए कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है, वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है और वीक बेस की कैटेगरी में आता है, तभी हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को जिसमें हमें वो मिक्सचर एक एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है उसे हम बेसिकली क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे. चलिए अब हम अपना दूसरा एग्जाम्पल यहां देखते हैं और दूसरा एग्जाम्पल है HCN. देखिए HCN अगेन इट इज अ वीक एसिड, अगेन दिस इज अ वीक एसिड, ठीक है. और देखिए ये NaCN ये सॉल्ट है विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, आप देख सकते हैं Na अगेन यहां पर NaOH से आया होगा इसीलिए ये NaCN सॉल्ट है बेसिकली HCN का, लेकिन जो बेस कॉम्पोजिशन है वहां पे ये स्ट्रॉन्ग बेस का है. दैट मींस ये दोनों एग्जांपल्स बच्चों जस्टिफाई कर रहे हैं एसिडिक बफर को. थर्ड केस में देखेंगे ये भी वीक एसिड है बेटा और यहां पे देखेंगे ये इसका Na आ गया तो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा और Na2B4O7 ये सॉल्ट है विद अ स्ट्रॉन्ग बेस. दैट मींस ये सारे एग्जांपल्स किस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, एसिडिक बफर को. बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द न्यूमेरिक सेक्शन पहले हम इसकी थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं. तो अब तक हमने देखा है कि जो बफर है उसकी डेफिनेशन क्या है, एसिडिक बफर है उसकी डेफिनेशन क्या है. अब चलिए हम तीसरे डेफिनेशन पे जाते हैं जो है बेसिक बफर की. तो हम देखते हैं कि सबसे पहले व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ बेसिक बफर. मैंने आपको पहले ही बताया अगर बेसिक है तो बेस जो है यहां पर वीक होना चाहिए. तो देखिए यहां पर वीक है एंड इट सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड जब भी आएगा बच्चों आप ध्यान रखिएगा मिनरल एसिड होगा, HCl का पार्ट होना चाहिए, H2SO4 या HNO3 का. तो चलिए इसके एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं. देखिए NH4OH इज अ वीक बेस एंड NH4Cl में आप देखेंगे ये Cl कॉम्पोजिशन जो है वो HCl से आया होगा विच इज अ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड. दैट मीन्स NH4OH और उसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड विच एक्चुअली कंस्टिट्यूट व्हाट वी कॉल एज अ बेसिक बफर. सेकेंड एग्जाम्पल इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ वीक बेस और यहां पे देखिए MgCl2 है, अगेन इट विल बी फ्रॉम द डिसेंट ऑफ व्हाट HCl और इसीलिए ये वाला सेक्शन यहां HCl से आया होगा. दैट मींस कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है इस सॉल्ट का. दैट मींस द सेकंड एग्जांपल आल्सो इज अ वीक एसिड एंड इट्स स्ट्रॉन्ग एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो वीक बेस एंड इट्स स्ट्रॉन्ग एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज व्हाट यू कॉल एज द बेसिक बफर. अब देखिए यहां तक हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी जिसका एप्लीकेशन ये होता है कि स्कूल में व्हाट इज अ बफर या व्हाट इज अ एसिडिक बफर या व्हाट इज अ बेसिक बफर इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है. गिव टू एग्जांपल्स. कंपटीशन में ये पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल कौन सी कैटेगरी के बफर सॉल्यूशन का टाइप है. तो इसके लिए आपको हमेशा एक चीज को ब्रॉडर एस्पेक्ट में याद रखना पड़ेगा कि कौन से एसिड वी स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से बेसिस स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से एसिड्स वीक हैं और कौन से बेसिस वीक हैं. अगर आपको ये याद है तो आप डेफिनेशन को यूज करके आंसर को इजीली निकाल लेंगे.
अब देखिए हम इसके न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ जा रहे हैं और न्यूमेरिकल सेक्शन में बच्चों हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि एक इक्वेशन होती है जिसको कहते हैं हम हेंडरसन्स इक्वेशन, और ये हेंडरसन्स इक्वेशन इज एक्चुअली यूज्ड टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ एन एसिड एंड पीओएच ऑफ अ बेस। तो आपको पता होता है कि पीएच जो होता है दैट इज नथिंग बट नॉर्मली हम उसको पीएसी कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। लेकिन एसिड और बेसिक के बफर में हमें इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से यूज करना है कि देखिए जो पीएच होता है वो पी के ए के बराबर होता है प्लस लॉग अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो ये होगा अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड जो कि ये होगा। दैट मीन्स एसिड ये जो वीक एसिड है, सॉल्ट का मतलब वीक एसिड का सॉल्ट विद इट स्ट्रॉन्ग बेस। दैट मीन्स यहां पे इस फॉर्मूले से हम बेसिकली पीएच निकालेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आएगा कि ये के ए क्या होता है, तो ये बेसिकली बच्चों डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एन एसिड होता है और के को मैंने आपको निकालना बताया था जब हमने ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ को पढ़ा था। तो जब पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड को हम यूज करेंगे देन वी कैन डिटरमाइन द पीएच ऑफ अ एसिडिक बफर। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि बेस्ट एसिडिक बफरिंग एक्शन कब ऑब्जर्व होगा। देखिए यहां पर तीन कंडीशन हो सकती है, पीएच पीके से कम हो सकता है, पीएच पीके के बराबर हो सकता है, या पीएच पीके से ज्यादा हो सकता है। तो बेस्ट एसिडिक बफर तब बनेगा जब पीएच जो है वो बेसिकली पीए के बराबर होगा। तो ये आपको एक कंडीशन याद रखनी होगी, बेस्ट एसिडिक बफर एक्शन विल बी परफॉर्म व्हेन द पीएच विल बी इक्वल टू द पीके वैल्यू, राइट। लाइकवाइज जैसे हमने हेंडरसन इक्वेशन को निकाला पीएच को कैलकुलेट करने के लिए एसिड के लिए, ऐसे ही बच्चों हम हेंडरसन इक्वेशन को लगाते हैं पीओएच कैलकुलेट करने के लिए बेसिक सॉल्यूशन के लिए। देन दिस दैट मींस कि पीओएच में हम यहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस यूज करेंगे दैट इज बेसिकली केबी, और पीकेबी उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है, या मैं कह सकता हूं उसकी बेसिक नेचर की वैल्यू न्यूमेरिकली कितनी है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज पीकेबी, राइट, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, राइट। तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया जब हमें बेसिकली क्या निकालना है, बेसिक नेचर कैलकुलेट करना है किसके, एक बेसिक बफर को, और इसमें भी जो बेस्ट बेसिक बफर होगा उसकी कंडीशन क्या होगी कि जो पीओएच है वो पीकेबी के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहां पे हमने ये देखा है कि बेसिकली बेस बफर सॉल्यूशन को, एसिडिक बफर को और बेसिक बफर को हम यहां पर कैसे निकालते हैं। अब देखिए इसका एक एप्लीकेशन मैं आपको करा रहा हूं ताकि आपको इस चीज का पूरा एक एडवांटेज मिल जाए कि कैसे हम यहां पर बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हेंडरसन इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहां पे बहुत सिंपल सा फंडा होता है कि आपको कोई जरूरत नहीं होती कि आप किताब से न्यूमेरिकल देखें, आप कोशिश करिए कि आप बेसिकली फॉर्मूले में ही वैल्यू रख के एक न्यूमेरिकल को आप खुद से डिजाइन करने की कोशिश करिए। तो देखिए मैं आपको बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूं, सपोज मैं एसिडिक बफर पर एक क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूं, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूं एसिडिक बफर पर, ठीक है, एसिडिक बफर पर। अब देखिए एसिडिक बफर जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली होता है पीएच इक्वल टू पीके ए प्लस लॉग, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल में यहां डिजाइन करा के आपको दिखा रहा हूं, सॉल्ट अपॉन बेसिकली द एसिड, राइट। पीके बी भी आप इसी तरीके से करेंगे तो आपका पीएच इज इक्वल टू पीके ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड होता है। अब एक चीज को समझिएगा बच्चों,
अगर हमें यहां पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करके पीएच कैलकुलेट करना है, वी नीड टू कैलकुलेट द पीएच, राइट। तो देखिए, जो के ए की वैल्यू होती है वो हमेशा न्यूमेरिकल प्लस पावर सिस्टम में दी जाएगी। देख, सपोज आपको के ए की वैल्यू दे रखी है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो देखिए, क्वेश्चन में तो मैंने ये पी के ए का टर्म यूज किया है, तो आप इसको कैसे करेंगे, इसको के ए भी लिखा जा सकता है, लेकिन के ए और पी के ए का जो रिलेशन होता है बच्चों, वो क्या होता है ये आप समझिएगा। जिस तरीके से पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग इनटू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीएच का कॉन्सेप्ट आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग इनटू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है, पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग इनटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन होती है, और आप जानते हैं पीएच प्लस पीओएच का सम हमेशा 14 होगा। तो इसके लिए तो बहुत बेसिक सी चीज है जिसे हम यूज करते हैं, तो इसके लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो तो बनाने की आवश्यकता होती नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स में अपने आप ही यूज हो जाता है। देखिए, अब जिस तरीके से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन थी और हम पीएच को निकाल रहे थे, उसी तरीके से अगर हमें के ए की वैल्यू पता है तो हम पी के ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप समझिएगा बच्चों, ये रिलेशन होता है पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग इनटू के ए, ठीक है। तो आपको ये चीज पता है कि जब आप यहां के ए की वैल्यू लगाएंगे, एंड दिस विल बी माइनस लॉग इनटू 1.8 इनटू 10 की पावर माइनस 5 इनटू 10 की पावर माइनस 5। दैट मींस कि देखिए, ये जब माइनस 5 यहां आएगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस लॉग 1.8, राइट। और अगर आप यहां पी के ए की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 4.76, ये आएगी बेसिकली 4.76। दैट मींस कि यहां पे आपको इस पी के ए की वैल्यू पता चल गई। अब सपोज क्वेश्चन में सॉल्ट की कंसेंट्रेशन 0.1 m गिवन है और एसिड की कंसेंट्रेशन जो है बच्चों वो 0.01 m गिवन है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर मैं इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट अप करता हूं, देन आई विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ पीएच। दैट मींस पीएच इज इक्वल टू पीके की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 4.76 प्लस। आप देखेंगे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कितनी है, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन 0.1 है और बेसिकली एसिड की कंसेंट्रेशन है बच्चों 0.01। तो देखिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, तो ये लॉग 10 हो जाएगा और आपको पता है लॉग 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। दैट मींस जो यहां का पीएच आएगा दैट विल बी इक्वल टू 4.76 प्लस 1, दैट मींस 5.76। तो देखिए, ये पीएच जो है 7 की वैल्यू से कम आ रहा है। दैट मींस डेफिनेटली दिस इज बेसिकली अ बफर व्हिच इज हैविंग अ एसिडिक पीएच। तो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द बफर एक्शन। अगर आप देखिए पीकेबी यूज करेंगे तो यहां पर आप पीओएच निकालेंगे, और अगर मान लीजिए आपको पीओएच की वैल्यू निकाल ली आपने और आपको पीएच निकालना है, तो आप ये वाला बच्चों फॉर्मूला यूज करिएगा कि आप पीओएच की वैल्यू रखिएगा और 14 में से जब आप पीओएच की वैल्यू माइनस करेंगे देन यू विल डेफिनेटली गेट द वैल्यू ऑफ पीएच। तो आज के मैंने लेक्चर में मैंने बेसिकली आपको बफर, एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हेंडरसन इक्वेशन, और उसी के बेसिस पर एक एप्लीकेशन की हम हेंडरसन इक्वेशंस को कैसे अप्लाई करेंगे, ये मैंने आपको बताया है।